जाएगा तो मरकल ले जाएगा, दिमाग खराब रहता है इसे काम कर करके सारा। तो ये बताओ कि मैं रोज रोज आती हूँ क्या? परसों तो आई हो, परसों आई हूँ तो दिमाग तुम्हारा खराब है, दिमाग खराब हफ्ते तक तुमको हम ले जाएंगे, साइकिल के जाना बंद हो जाएगा। अरे तुम्हें चार थे गर्लफ्रेंड है हमारे, अब तुमको देखे खुदा कर जाए लोग कर देंगे भाई चार भी तुम्हारी मार खाएगी हमसे पक्का। सो गाइस ये देखिए बाबू उठते ही मेरी ड्यूटी लगा दी है किचन में, उन्हें खाना था चाउमीन और आज है मंडे तो मुझे नहाने तक नहीं दिए, बस मैं मुंह धुलकर ब्रश करके आई हूँ और इन्हें खानी है चाउमीन, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं, पापा नहीं है क्योंकि बिना नहाए फिर किचन में जाना ही नहीं होता है। और सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया है और प्याज काट लिए हैं, इससे पहले मैंने चाउमीन उबाली थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और जब आपका तेल गरम हो जाए चाहे आप सरसों चाहे रिफाइंड किसी में भी बना सकते हो, लेकिन इनको जो है ना रिफाइंड का स्वाद अच्छा नहीं लगता ना इसी वजह से। और एक मिर्ची मैंने जस्ट डाली है और थोड़ा सा टमाटर डाल दी हूँ, मिर्ची धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ बाबू को खिलाने के लिए क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और आप देखो बाबू की चाउमीन कैसी बनी है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, इससे पहले आप देखो ना टमाटर मैंने डाला उसमें, उसकी चाउमीन सिर्फ उबाली है और उसमें ऊपर से टमाटर डाल के जो प्याज टमाटर था ना उसको मिक्स कर दिया, वो बैठ कर खा रही है आप लोग देखो। और यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा ग्रेवी क्यों बनाई हूँ क्योंकि इस तरह की मैं चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो थोड़ी सी कटोरी भर कर निकाल लेंगे छोटी कटोरी में। और यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं 5-5 रुपए वाला चाउमीन मसाला और थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें, ये देखिए इस तरीके से, और चाउमीन को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा जस्ट स्वाद अनुसार नमक क्योंकि वैसे भी सोया सॉस और चाउमीन मसालों में नमकीन सा स्वाद होता है ना इसीलिए। तो हमारी चाउमीन बनकर रेडी हो गई है, बताइएगा कैसी लगी। और ये देखिए बाबू की और इनकी, और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाऊंगी फिर उसके बाद आराम से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, ठीक है। प्रिवान गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और अब हम जा रहे हैं रेडी होने। बाबू सुबह उठते ही जिद करने लगी मम्मा चाउमीन खाना है चाउमीन खाना है, तो मैं उसके लिए बनाने लगी चाउमीन। और हेयर वगैरह अभी मैंने नहीं कॉम किए हैं और दाल चावल रोटी मैंने बना दी है और बर्तन पड़ा हुआ है अभी, इससे पहले मैं थोड़ी सी साफ सफाई करूंगी क्लीनिंग करूंगी। इससे पहले मैंने कहा कि आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को मॉर्निंग भी नहीं विश की है ना, तो चलिए फटाफट से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर से आराम से मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हल्की हल्की सी मौसम जैसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है, तो मैंने कहा चलो कपड़े उतार लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है जैसे कि आपका 2 घंटे में आराम से सूख जाता है, काफ़ी तेज़ की धूप निकली थी सुबह इसीलिए कपड़े सूख गए हैं, लेकिन अभी मौसम अच्छा वाला बन गया तो जैसे लग रहा कि बारिश होगी और कपड़े भी सूख गए, तो मैंने कहा लगे हाथ उतार ही लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी घर जाने की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं अभी क्या करना है। तो यहाँ सभी कपड़े मैं उतार कर ले आऊँगी अपने जहाँ पर क्या बोलते यार नाम कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, जो भी हो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और बाबू अभी सो रही है तो मैंने कहा लगे हाथ तय कर लेते हैं, अगर आप 1-2 दिन का रख दोगे ना तो वो ज़्यादा हो जाता है फिर आप बोर भी हो जाते हो। तो 1 दिन के कपड़े मेरे ये देखिए पड़े हुए, वाइट वाला सूट मैंने कल पहना था जो सूख गया है आप लोग देख लो, और इसका पैजामा जो है ना प्लाजो वो नहीं सूखा था तो मैंने उसे साइड रख दिया है कि अभी मैं जाके थोड़ा सा जो बरामदा है ना वहाँ पर भी हमने अर्गन बांधी है तो वहीं पर मैंने कहा जब डाल दूँगी। और ये छोटे छोटे से कपड़े हैं ना पानी गिर जाता है कुछ भी गिर जाता है तो वो पोंछने के काम आता है, तो सूती कपड़े मैं फेंकती नहीं हूँ इसी तरीके से काट कर रख लेती हूँ। अभी कुछ और कपड़े निकले हैं मेरे सूट वगैरह तो उन्हें मुझे काटना है कि मतलब काम आ सके, तो इनके कपड़े अलग अपने कपड़े अलग बाबू के अलग सभी को अलग रख देती हूँ। और ये वाली जो कुर्ती है ना आप लोगों को बहुत पसंद है, इसका राज मैं किसी दिन बताऊँगी, मैंने घर में निकालने वाली नहीं थी लेकिन बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए मैंने इन्हें निकाला है। तो चलिए फटाफट से कपड़े तय कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए जोड़ा लगाने की मेरी आदत है और अभी यहीं बात करके गई हूँ फिर बैठ गई हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ थोड़ा सा घर घुमाऊँ, जो मेरे घर के पास की मंदिर थी जिन्हें हम समिया माता की मंदिर बोलते हैं, पहले हम लोगों का पर डे नियम था, पर डे मतलब कि रोज़ का नियम था कि हम लोग रोज़ वहाँ पर जाते थे, दर्शन करते थे, झाड़ू लगाते थे और फिर मंदिर को अच्छे से धोते थे पानी से बाल्टी लेकर, फिर वाइपर लेकर साफ करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था।
और अब ऐसा टाइम आ गया कि जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत दिन हो गए लॉकडाउन के, पहले से ही मैं नहीं जा पा रही हूँ और आज एकदम अचानक से दिल कर गया, जाने का मन कर गया, तो मैं सोची कि चलो दर्शन कराऊँ, वैसे घर भी घुमाऊँ। तो इनको मैंने फ़ोन किया तो ये बोले कि देखता हूँ, टाइम मिलता है और शॉप बंद करता हूँ तब छोड़ आता हूँ तुमको। और कपड़े मैंने उतार लिए हैं, सूख भी गए थे और बारिश का मौसम जैसे लग रहा था इसी वजह से। और क्या बताऊँ आप लोगों को, तो बस मैंने कहा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ। फिर अचानक से तैयारी हो जाती है, प्लानिंग बन जाती है, तो फिर टाइम ही नहीं निकल पाता है। और ये वाली जो मैंने मेहंदी लगाई थी ये मेरी निकल भी रही है, ये देखिए, तो कैसी लगी आप लोग बताए नहीं। और ये जो है ना, मैंने जैसी जैसी लगाई है पूरी, तो मैंने इसका लिंक दे दिया है, इस वीडियो में भी मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैंने उसका नाम ऐसे ही रख दिया है, फिर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, फिर मैं उसका नाम कुछ और रखूँगी। और अभी तक मैंने आप लोगों से अपने दूसरे चैनल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हो वहाँ पे तो ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा था कि इस पर तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और मेरा मेकअप तो हो नहीं पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर मैं मेकअप लुक निकालूँ, लेकिन अभी तक निकाल नहीं पा रही थी इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रही थी, लेकिन कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल कर मेकअप लुक शेयर करूँ। तो बस इतना ही बोलना था। और अभी बाबू सो रही है, मैं चल रही हूँ उसको जगाने के लिए, और क्या बोलूँ यार, तो बाबू को जगाना है, सो रही है, सोती है तो बहुत प्यार से सोती है। बाबू बाबू नहीं उठना, नहीं नहीं उठना, हाँ बाबू, अरे 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 क्या गुस्सा 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 गुस्सा, अले 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 गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा इतना, अले 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 अले, ये क्या भाई, चादर वद्दर से मुंह ढाक लिया है बाबू ने, अले मेरा छोना चादर वद्दर से ढाक लेता है क्या, दिखा दो दिखा दो दिखा दो, अले दिखा दो अले दिखा दो, तो हो ये तो दिखाएंगे नहीं। चलिए मिलती हैं अभी थोड़ी देर से, पहले इनको जगा लेते हैं फिर, ठीक है। अभी बज चुके हैं 10 बजने में 15 मिनट बाकी है और आज इनकी क्लास लगाऊंगी मैं, पक्का है, क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रेडी सेडी हूँ और ये मुझे लेकर गए ही नहीं, अब मैं क्या बताऊँ। देखिए दरवाज़ा खटखट, अभी मैं ट्राईपॉड में फ़ोन लगाती हूँ, फिर अभी आज मैं इनकी क्लास आप लोगों के सामने लगाऊंगी। हाँ पापा आ गए, पापा आ गए, चलो क्या हुआ? बड़ा स्माइल स्माइल कर रहे हो। क्या करें? पहले बता तुम आज हमको क्यों नहीं लेके गए? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया? क्यों? जब देखो तुमको माइकल ले जाए, नहीं तो कहता ऐसे काम कर करके सारा। ये बताओ कि मैं रोज रोज जाती हूँ क्या? रोज रोज तो जाती हो, आज छोड़ दो कल छोड़ दो, आज ले आओ छोड़ दो, कहना गाड़ी सीख लो, चलो ये बता दो क्या अभी परसों तो आई हो? परसों आई तो दिमाग खराब, दिमाग खराब था परसों ले गए थे, पागल हो गए क्या? परसों कब ले गए? हफ्ते तक थे तुमको हम ले जाएंगे, परसों तो सैटरडे था, परसों लॉकडाउन था, तब कैसे लेके? हम यही काम करे तुम्हारे साथ ना, हमारे पास कोई काम तो है ना, हम यही मतलब हमको बांध लो, हमको बांध लो, तुमको डेली छोड़े फिर ले आए। पहले ये बताओ हमको ले जाने में तुम्हारा और सब काम नहीं होता, हमको ले जहाँ जाते वहाँ भी पैसे लेके आते हैं, हम यहाँ हमको लेके जाओ तुमको, हम तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे, कहने गाड़ी सीख लो, क्यों नहीं घूमोगे, शादी करो तो घूमोगे नहीं, हम यहाँ फालतू काम नहीं, तुम्हारा माइक के जाना बंद हो जाएगा, नहीं जा नहीं जाओगे बस। अच्छा मेरा मैके जाना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो डिस्टर्ब मत किया करो काम के समय में, जब किराया लेके जाना था अकेले जाना था तो क्या शादी कर लिए, क्यों शादी कर लिए? इसलिए गाड़ी नहीं सीख रही हो, ड्राइवर तो भैया है, जहाँ ड्राइवर तो है ही, पति होते वो ड्राइवर ही तो होते हैं, देखो साला इतना टेंशन रहता हम लोगों को क्या बताया, बड़ी टेंशन तुमको रहती है हर जगह जाने की, अभी दूसरी गर्लफ्रेंड को दूसरे वाले को घुमाना, अरे दोनों चार थी गर्लफ्रेंड है हमारे पास, चार तो क्यों, दस तो होंगी, दस तो रखो तुम, है नहीं तो हाँ ना, तो मैके वैके जाना बंद, बाहर जाता तो पैसे के लिए, चलो कमा तुमको मैके छोड़ दो, मन है तुम्हारा मन का वो होगा, हमारा तो मन करता कहीं घूमने के, हम घूमने जाते हैं,
भला तुम सुबह निकल जाते हो 8:30 बजे, रात में आते हो 10 बजे, मुझे क्या पता कि सारा दिन कहाँ घूम रहे, किसके साथ घूम रहे हो, ऐसा बता रहे हो। मैं जाना ना, समझी, जब जिस दिन तुम गाड़ी सीख लो नहीं सीखूंगी, तो नहीं सीखूंगी, नहीं जाना सीधी बात, फिर कौन ले जाएगा, हम तो ले जाओगे, तब तो कौन ले जाएगा बताओ, कौन ले जाएगा बताओ, पापा नहीं जाएंगे ना, तुम जाओगी, तुमको जाना तो आप लोग जाओ, नहीं मम्मा जाएंगे, मम्मा जाए पैदल जाए, मम्मा नहीं मम्मा जाएंगे, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, मम्मा लेके जाएगी, किसको लेके जाएगी मम्मा, मम्मा को, बाबू जाएगी, कौन लेके जाएगा बता दो जरा, पापा, पापा नहीं लेके जाएंगे, तुम बड़े हो जाओ गाड़ी सिखा दो, दोनों लोग जाना है अपना फ्रूट से, अच्छा अब यही काम बचा हम लोगों के पास, की हम लोग अकेले हैं, बड़े बाप रे, तुमको देख के खुदा डर जाए, लोग तुमको देख के ना डर जाए, इतना जब हम हमको देख के लोग डर जाए तो तुम हमको शादी कैसे कर ले, अरे हम डर के ही शादी कर रहे हैं, तुम डर के शादी कर, अरे डरते नहीं ना, डरते होते तो आज हमको लेके ना चलते, कब से हम तैयार बैठे थे, कहा मैं बिजी थे, जाना हो तो भिक्षा कर लिया करो, चली जाया करो, हमको डिस्टर्ब मत किया करो, बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो भाई, तुमको पता है हमारे पास टाइम नहीं ना, पता है तो ये बताओ कहेगा, आज हम तुम्हारी सारी करतूत रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हम डालेंगे यूट्यूब पे, तुम कैसे हमसे लड़ते हो, सच्चाई सबके सामने डिलीट कर देंगे भाई साहब, भी तुम्हारी मार खाएगी हमसे पक्का, बेटी जाएगी, इतनी बड़ी बात, हाँ अब यूट्यूब पे आनी नहीं चाहिए, बता दे रहे फालतू बात नहीं हमसे, देखो मम्मी करती है ना, अब तो आएगी, लिख के ले लो, अब तो क्या कर, मोबाइल तोड़ दूंगा, तोड़ो ठीक है, देखो देखो तुम्हारी सारी करतूत रिकॉर्ड हुई है, तोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ने वाले, सच्चाई सबके सामने। तो गाइस हमारी लड़ाई बहुत भयंकर वाली हुई, बहुत भयंकर वाली, और हम लोगों का ये चलते ही रहता है ऐसी, अब सीरियस मत लीजिएगा, कहाँ का भैया आ जाओ, शांति देवी, ओ शांति देवी, नमस्कार, जय श्री राम, मोबाइल टूटा नहीं, पहले ये बताओ कहाँ गया गुस्सा, मोबाइल तोड़ने वाला, वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो टूट जाएगा मोबाइल, जाएगी तब ना, वैसे तोड़ेंगे नहीं, गुस्सा होगा तो हमें दुलाना पड़ेगा, इनका चलता ही रहता है, मम्मा को मोबाइल तोड़ दे, और आज मम्मा को मोबाइल तोड़ दो, बाबू क्या करे, मम्मा को तोड़ दे, कैसे तोड़ दे, बाबू पापा तरफ है, बाबू पापा की तरफ है, नुकसान करना चाह रही बाबू, नहीं मम्मा को मोबाइल, हम लोगों की जो लड़ाई होती है ना वो इसी तरीके से होती रहती है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, आप लोग भी देख लो, बस 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 भाई खाओ। नहीं हम नहीं खाएंगे, आप खाओ, आप जल्दी से खाओ, मुंह हाथ धो लो, अभी हम जा रहे हैं डिनर बनाने, रोटी सेकने, रोटी सेकने, दाल पहले फिनिश करो तब, अरे बोलने तो दो मुझे, रोटी सेकने जा रही हूँ, दाल बन चुकी है, दाल रोटी आ चुकी, रोटी सेकने जा रहे, हाँ रोटी हम सेकेंगे, बेलेंगे ये, मारा मत बोला करो कैमरे, तुमको ना काट ले, तुमको काला नाक काट ले, चलिए फटाफट डिनर बनाते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में, ये क्या है, ये क्या है, बारिश हो रही है, हाँ अजय मेरी छतरी के नीचे, अजय कमला खड़ी खड़ी, कैसे बाबू, अजय मेरी छतरी के नीचे, छतरी के नीचे आजा, फुदक कैसे रही थी, हाँ फिर से हाँ कैसे फुदक रही थी, मेरी छतरी के नीचे आजा, चलो बात, चलो हाथ धुला, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं डिनर, बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर मिलते थोड़ी देर में, गाइस अब हम जा रहे हैं क्या करने, डिनर करने के लिए, और डिनर करने के लिए, डिनर में हमने क्या लिया है ये देखिए, रोटियां हैं दो मेरी, तीन इनकी, एक बाबू की, ये छोटी वाली, और इनका क्या है ये देखिए, पानी, दाल है, दाल है, हम दाल ज्यादा खाते हैं, ऐसे खाते हैं, तो दाल और रोटी, और ये है लहसुन, मिर्चा और लहसुन की चटनी,
लहसुन मिर्चे को आप पीस कर बनाते हो ना गाँव में, है मठा, मठा है गाँव से आया है तो मैं इसी को खाऊंगी रोटी के साथ, इनकी दाल और मेरा मठा है ना। बाबू बाबू क्या खाएगा? बाबू रोटी खाएगा, मीठा खाएगा। बाबू क्या खाएगा? खट्टा खट्टा। बाबू बोलती है, बाबू बोलेगी खट्टा खट्टा, तो बाबू खट्टा खट्टा खाएगी। चलिए हम लोग खा कर लेते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? मिल गया क्या जी? पेन मिल गया? नहीं। कहाँ है बेटा? तो फिर रखो, छोड़ो, रखो। उसमें आपका कोई सामान नहीं है। मम्मा कह रखो, लो पकड़ो। रखो तो क्यों वहाँ ले गए हो तुम, पहले ये बताओ। कह रहे थे दूर से देख ली पापा, वहाँ हमको उठा के ले चलो। सुकड़ी पड़ी है, रखो पहले तुम उसको, रखो जल्दी रखो, मम्मा मारेगी। उसमें आपका कोई काम का सामान नहीं है। अब देख लिया था तो लिपस्टिक पा गई, देखो क्या करेगी। बाबू अभी नहीं लगाए, बाबू कब घूमने जाए तब लगाए। चलो चलो। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11 और मुझे करना है ब्लॉग का एंड। आज हम अकेले ही ब्लॉग का एंड कर रहे हैं क्योंकि ये पापा के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं, 11 बज रहे हैं ना। वो बाय बोल तो गुड नाइट, गुड नाइट। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा कि नहीं बताइएगा ज़रूर। अब वो बोलो लाइक लाइक शेयर जरूर करना, लाइक शेयर करना जल्दी दूर। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।